हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं चिली पनीर कैसे बनाते हैं। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाली है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम एक बाउल में एक कप मैदा लेंगे, एक टीस्पून लाल मिर्च, सॉल्ट एज पर टेस्ट और एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद हम इसमें आधा गिलास पानी डाल के इसे मिला लेंगे। कंसिस्टेंसी हम इसकी थिक रखेंगे। अब हम अपने पनीर को काट लेंगे और फिर इसे अपने मिक्सचर में डाल देंगे और इसे कुछ ऐसे मिला लेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए मैंने अपने कढ़ाई में तेल डाल दी है और अब हम इसमें पनीर ऐड कर लेंगे और जब ये थोड़े से कलर चेंज कर लेंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसे अपने नैपकिन में रैप करके अलग रख देंगे। वापस से कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे, फिर उसमें छोटे कटे हुए अदरक लहसुन डालेंगे, फिर इसमें हम 2 से 3 बड़े कटे हुए प्याज, मिर्च और 1 बड़ा शिमला मिर्च डालेंगे। याद रहे हमें वेजीज को ओवर कुक नहीं करना है। इसके बाद हम सॉल्ट एज पर टेस्ट डालेंगे और फिर इसे भी मिला लेंगे। फॉर ग्रेवी इसमें हम 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे और हम पानी उतना ही मिलाएंगे जितना हमें ग्रेवी चाहिए। हम सारे सॉसेस डालेंगे। सबसे पहले मैंने ग्रीन चिली सॉस ऐड किया है, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा रेड चिली सॉस डालेंगे। आप सेजवान सॉस भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा विनेगर भी डालेंगे। हम इसमें जो कॉर्नफ्लावर से ग्रेवी रेडी किए थे उसे हम डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। हम इसमें फ्राइड पनीर ऐड करेंगे जो सबसे पहले हमने फ्राई किया था और हम इसे भी मिला लेंगे और ये हमारा चिली पनीर रेडी हो चुका है गाइस। सो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाली है। सिंपल के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनी है गाइस। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, सो ज़रूर से ट्राई करना। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइज़।